तो वेलकम बैक मेरे जिगर के छल्लू, लगा लो अपने कानों में सस्ते वाले ईयरफोन और हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाइयों, वीडियो शुरू होने के पहले एक चीज़ मेरी बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ठीक है, कि आपको एट लास्ट किस तरीके से वॉइस आएगी वो मैं दिखा दूंगा चैट रूम पे, आपको लगा करके भी दिखा दूंगा कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन ये जो तरीका मैं आपको फ्री वाला बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं कोई सपने नहीं दिखाने वाला, अभी से ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, कोई सपने नहीं दिखाने वाला कि आप देख लोगे चलेगा ही चलेगा, है ना। क्योंकि फ्री माइक का पर्पज़ क्या होता है, वो फाइट के पर्पज़ से नहीं बनाया जाता है, है ना। तो हम बाकी ट्राई कर सकते हैं, अगर हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा है, है ना, हमें कोई तो ट्राई करने में हमारा कुछ नहीं जा रहा, हो सकता है शायद लग जाए हमारे फ़ोन में, है ना। और लगता भी है तो फ्री माइक आपका थोड़ी देर के लिए लगता है, एक या डेढ़ मिनट के लिए, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनको करके हम एक बार देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में लग रहा है नहीं लग रहा। हम पुराने भी कई वीडियोज़ बना चुके हैं इनके ऊपर और आप दूसरे चैनल्स पर भी देखते होंगे, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता होगा कि यार ये चीज़ें सही में हो रही हैं नहीं हो रही, हमारे फ़ोन में तो क्यों नहीं हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो हमारे फ़ोन में क्यों नहीं हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है जवाब आपको आगे वीडियो पे मिलने वाला है, अगर लास्ट तक आप रुके रहोगे तो इस चीज़ का जवाब तो आपको मिल ही जाएगा कि आप अगर नहीं लग रहा तो लास्ट ऑप्शन क्या है, कैसे लगेगा, है ना। ये अगर आपको जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और बाकी एक एप्लीकेशन है, बहुत पुराना एप्लीकेशन है, मैं आपको, आप अपना जो प्ले स्टोर है वो ओपन करके देखो। देखिए, मैं एक एप्लीकेशन सर्च कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन आपने हो सकता है पहले यूज किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके डाउनलोड्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है पहले से। ये एप्लीकेशन है आपका माइक्रोफोन, लेकिन इसमें सेटअप किस तरह से करना है, कुछ अलग सेटिंग्स हम क्या कर सकते हैं जिससे ये हमारे फ़ोन में काम करेगा या नहीं करेगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये पहले से इंस्टॉल्ड है हमारे फ़ोन में, तो यहाँ से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन है हमारा माइक्रोफोन नेम से, यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन रहा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, और ये एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको जो है सेटिंग्स के ऑप्शन मिलते हैं। आप कई सारी चीज़ें इसमें माइक को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा हमें मेन चीज़ उससे तो कोई मतलब है नहीं कस्टमाइजेशन से, है ना। माइक कोई भी कलर रहे, बस अपनी आवाज़ आनी चाहिए। तो मेनली सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे माइक का मोड्स हो गया, गेन हो गया, फोनिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अंदर भी कई सारी सेटिंग्स हैं, इतनी सारी सेटिंग्स हैं। अब एक सेटिंग ही हो सकता है ऐसी हो जो आपका वर्क करने में हेल्प करे, और हो सकता है कि एक सेटिंग ही आप गड़बड़ कर दो तो आपके फ़ोन में ना चले। तो बहुत ध्यान से समझना है किस तरह से इन सेटिंग्स को लगाना है, और फिर देखते हैं कि माइक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक एक सेटिंग को बिल्कुल ध्यान से देखना और समझते हैं कि किस सेटिंग का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ क्या करने में हेल्प करती है, ठीक है। सबसे मेनली तो यहाँ पे ये मोड्स हैं, ठीक है, आपको पीटीटी में नहीं लगाना है, माइक में ही लगे रहन देना है, ठीक है। उसके अलावा आपको, हाँ, मेन चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आप जब तक ईयरफोन नहीं लगाओगे तब तक आप इसको ऑन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन तब तक नहीं ऑन होगा जब तक आपने ईयरफोन को प्लग इन नहीं करके रखा है अपने फ़ोन में। उसके बाद आप यहाँ पे जो है गेन मिलेगा आपको, गेन मतलब वॉइस कितनी रिटर्न आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉइस रिटर्न आपको चाहिए जो वापस आपको भी सुनाई दे, है ना, कितनी वॉइस आई है कितनी नहीं, वो चीज़ें अगर आप सुनना चाहते हो यहाँ से, जितना इसको बढ़ा दोगे, जितना बढ़ाओ घटाओगे उतना ये जो है, अभी तो ये माइक ऑन नहीं किया है, यहाँ से ये जो आपको लाइन दिख रही है ये जो है वैल्यूम इंक्रीज़ करने की है माइक की, ठीक है। और वो उधर से गेन का है, कितने डेसिबल्स आप जो है सुन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फोनिक मोनो पे है, इसको ऐसे ही रहन देना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रही हैं तीनों सेटिंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गेन के साथ छेड़खानी आप कर सकते हो, उसको भी बहुत ज़्यादा ना करना, थोड़ा ही रखना, मतलब लगभग 30-40 या 50 के समथिंग, ठीक है, यानी हाफ में। अब यहाँ पे कॉल फोकस, ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉप ड्यूरिंग कॉल्स, यानी अगर आप कॉल फाइटर हो, आपको कॉल पे लगाना है तो इस सेटिंग को ऑफ़ करके रखना है, कॉल आए तो माइक आपका ऑफ ना हो, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा जैक फोकस, ठीक है, स्टार्ट ओनली इफ़
ऑडियो जैक इज़ प्लग्ड इन, अगर आप ये चीज़ ऑफ कर देते हो ना तो आपका बिना ईयरफोन के भी ये माइक लगने लगेगा, स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको इसको लगे रहने देना, क्योंकि बिना ईयरफोन के जो वॉइस आती है ना, अगर आपने ऑन भी कर दिया, बहुत टकरा टकरा के आती है, वो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। इसको ऑन ही रहने देना है, ईयरफोन लगाने के बाद ही फाइट आपको करना है, ठीक है। स्पीकर फोन फोकस, ठीक है। अगर आपके पास कोई फ़ोन स्पीकर हेडसेट प्लग्ड है तो आप इसको जो है ऑन या ऑफ़ रख सकते हो, ये उसके लिए है, तो ये आपके कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। ऑटो हाइड कंट्रोल्स, यहाँ से कंट्रोल्स हाइड हो जाएंगे जो ऊपर आपको शो हो रहा था, ठीक है। मेन अभी हम अपने जो है उस पर फोकस करेंगे, मेन फाइट का। देखिए इक्वलाइज़र हिडन है, इसको आप हिडन से हटा दीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ हमारे मतलब का है, तो यहाँ पे जो है इक्वलाइज़र भी आ गया है। अब यहाँ से हम लोग अपने वॉइस को अपने हिसाब से इक्वलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, सारी सेटिंग्स जो हैं समझने के बाद अब हम इसे एक बार ऑन करके देखते हैं कि वॉइस किस तरह से आ रही है हमारे फ़ोन में, ठीक है। देखिए हमने इसको ऑन करके चेकआउट किया है, हमारे फ़ोन में तो बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही। रुको, हमारे फ़ोन में देखिए चेकआउट किया है, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है इसकी, ठीक है। अब हम जो है आपको दिखाएंगे, आप यहाँ तक रुके हो तो आपको इसका समाधान भी बताएंगे कि वॉइस कैसी आएगी और अच्छी वॉइस कैसे आपको मिलेगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ और चैट रूम ओपन करके बिल्कुल चैट रूम पे ही आपको वॉइस सुनाऊंगा कि हार्डर वॉइस, वो भी चैट रूम के अंदर, ठीक है, किस तरह से आएगी। हेलो, देखिए मैं फूरफन के चैट रूम पे बैठा हुआ हूँ और आप लोग यहाँ पे वॉइस सुन सकते हो, ठीक है। वॉइस इतनी हार्डर कैसे और क्यों आ रही है, इस चीज का जवाब मैं, ये माइक पहले अपना ऑफ कर दूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोग इसका रीजन भी बताऊंगा और आपके फोन पे कैसे काम करेगा वो भी बताऊंगा। देखिए जैसा कि आप लोगों ने सुना, चैट रूम पे बैठ करके मैंने आपको सुनाया कि वॉइस हार्ड आ रही थी, ठीक है। ये हमारे पेड सिस्टम्स हैं, पहला 2200 का है, 4400 का भी है दूसरा, तीसरा 5600 रुपये का है, चौथा 8400 रुपये का है। चार सिस्टम्स हैं। देखिए जितना आप महंगा लोगे उतना अच्छा होगा, लेकिन अपने बजट के हिसाब से, आपके पास अगर ज़्यादा अच्छा बजट है, अच्छा सिस्टम आप चाहते हो, तब तो जाहिर सी बात है कि आप महंगा ही लोगे, है ना। लेकिन मान के चलिए आपका मन भी बहुत है फाइट करने का, है ना, आप बहुत अच्छी वॉइस भी चाहते हो, लेकिन आपके पास जो है बजट थोड़ा कम है, आप 4000 वाला ही ले सकते हो, 4400 वाला, या फिर आप 5600 वाला ही ले सकते हो, है ना, तो या 2200 वाला ही ले सकते हो, या फिर आपका बजट भी बढ़िया है, आपको वॉइस भी बढ़िया चाहिए, तो आप जो है 8400 वाला ले सकते हो, 5600 वाला ले सकते हो, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी फ्री सिस्टम्स में आप कितना भी दिमाग लगा लो, कुछ भी कर लो, कितनी वीडियो देख लो, कितना टाइम वेस्ट कर लो, वो आपका जो है काम नहीं करने वाला, मतलब नहीं करने वाला। आप हज़ारों सिस्टम देख लो भाई, हमने जो है आपको सुनाया वॉइस पहले, देखिए हमने फ्री लगा करके दिखाया आपको, हमारे में भी वॉइस नहीं आ रही थी, जाहिर सी बात है वो वॉइस आने का सवाल पैदा है। अगर आया भी तो 1-1.5 मिनट वॉइस आ गई, वो भी पहले थोड़ी तेज आई, उसके बाद अचानक से इतनी वॉइस दब जाती है कि आपकी बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं होना है। तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप अगर सिस्टम ख़रीदना चाहते हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हमारे को जो है कवर पेज में भी हमारा नंबर पड़ा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगर आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो, नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है।